क्या हो गई है नुसरत के बेटे के पिता की पहचान? क्या सामने आ चुका है टीएमसी की सांसद के बेटे के पिता का नाम? दरअसल इन बातों का सिलसिला तब शुरू हुआ जब शक के घेरे में घिरे यश दास गुप्ता नुसरत के बच्चे को अपनी गोद में लिए नजर आए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो ऐसा छाया कि यूजर्स का रिएक्शन कुछ इस तरह आया। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। बंगाली फिल्मों की एक्ट्रेस और टीएमसी सांसद नुसरत जहान हाल ही में एक बेटे की मां बनी। नुसरत ने 26 अगस्त को बेटे को जन्म दिया है। एक्ट्रेस ने अपने बेटे का नाम ईशान रखा है और उन्होंने अपने बच्चे के पिता का नाम बताने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं बीती शाम ही खबर आई कि एक्ट्रेस नुसरत अस्पताल से 4 दिनों के बाद अपने बेटे को लेकर लौट गयी। जब नुसरत अस्पताल से बाहर आई तो उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें नुसरत का बेटा उनकी गोद में नहीं बल्कि उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड यशदास गुप्ता की गोद में नजर आ रहा है, जिसे देखकर लोगों ने एक बार फिर बच्चे के पिता के नाम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें, ये इंस्टाग्राम पेज नुसरत के बेटे के ईशान के नाम पर बना है और उसी पेज से ये वीडियो वायरल हुआ है। वायरल हुए इस वीडियो में जब नुसरत अस्पताल से बाहर निकली तो उन्हें देखने के लिए वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। इस दौरान नुसरत ने गुलाबी सूट पहन रखा था। मीडिया को देखकर नुसरत ने अपने दोनों हाथ जोड़े। अस्पताल से छुट्टी मिलने के वक्त बांग्ला फिल्म एक्टर यशदास गुप्ता उनके साथ थे। यशदास गुप्ता ही उन्हें गाड़ी से उनके घर लेकर गए। नुसरत जहां और यशदास गुप्ता बेटे ईशान को लेकर एक ही कार में अस्पताल से रवाना हुए। इस दौरान नुसरत का बच्चा यश की ही गोद में था। हालांकि इस वक्त उनके बेटे का चेहरा नहीं दिखा, लेकिन यश की गोद में बच्चे को देख लोगों के सवाल एक बार फिर से शुरू हो गए हैं। लोगों ने एक बार फिर से पूछना शुरू कर दिया है कि नुसरत के बच्चे के पिता का नाम क्या है। बता दें कि नुसरत के बेटे के नाम के बाद भी यूजर्स का सवाल था कि आखिर नुसरत अपने बेटे के पिता का नाम क्यों नहीं बता रही है। मालूम हो कि नुसरत ने अपने बेटे का नाम ईशान रखा है, जिसे अंग्रेजी में ईशान लिखा जाएगा, जो काफी हद तक यशदास गुप्ता के नाम से मिलता जुलता है। और यही वजह है कि लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि कहीं यश ही तो नुसरत के बच्चे के पिता नहीं है। फिलहाल ऐसी चर्चा है कि नुसरत जहां और यशदास गुप्ता रिलेशनशिप में है, हालांकि दोनों में से किसी ने भी इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं दूसरी तरफ बीते दिनों एक्ट्रेस के एक्स हस्बैंड निखिल जैन ने साफ तौर पर कहा था कि एक्ट्रेस की प्रेगनेंसी की खबर उनको नहीं है, क्योंकि दोनों नवंबर 2020 से ही अलग अलग रह रहे हैं और उनके पेट में पल रहा बच्चा उनका नहीं है। जहां नुसरत जहां ने कुछ समय पहले ही अपने पति निखिल जैन संग अपनी शादी को अमान्य बताया था, नुसरत जहां ने सोशल मीडिया से अपनी शादी की सारी तस्वीरें भी डिलीट कर दी हैं, तो वहीं निखिल ने भी सोशल मीडिया पर सारी तस्वीरों को हटा दिया। दोनों के रिश्ते की अनबन की वजह से यश से नुसरत की नजदीकियों को ही बताया जा रहा है। गौरतलब है कि साल 2020 में नुसरत ने एक्टर यशदास गुप्ता के साथ फिल्म SOS कोलकाता में काम किया था। इस फिल्म की शूटिंग लंदन में हुई थी और उसी दौरान नुसरत और यश के बीच अफेयर शुरू हुआ था। प्रेगनेंसी के दौरान नुसरत के साथ हर समय यशदास गुप्ता को देखा गया था और डिलीवरी के दौरान भी वो अस्पताल में मौजूद थे।